नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज पृथ्वी पे मतलब जिस तरह से हालत है उस तरह से बहुत लोगों को यही लगता होगा कि हमें आखिर मतलब पृथ्वी पर क्यों आना पड़ता है। और उसका जवाब मैंने दिया था, मैंने एक वीडियो का नाम ही रखा था, आपने शायद देखी होगी, कि इंसान को आत्मा को बार बार पृथ्वी पर क्यों जन्म लेना पड़ता है। लेकिन एक 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 पहलू हुआ उस चीज़ का, और एक दूसरा भी पहलू है, एक दूसरी भी साइड है उसकी, वो मैं आपको बयां करने की आज कोशिश करूँगा कि क्या होता है कभी कभी कि पृथ्वी पर कुछ आत्माएं जन्म लेती है और इन सारी चीज़ों में मतलब इन सारी चीज़ों को मतलब दुख को या फिर नाइंसाफ़ी को अगर मतलब आज हम देखेंगे तो सचमुच मतलब इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते पृथ्वी पर। तो ये सारी चीज़ें देखकर कुछ आत्माओं को मतलब पूरी तरह ये सारी चीज़ें झिंझोड़ कर रख देती है कि एक बहुत ही बुरी चीज़ है या फिर बहुत बुरी जगह है, तो अच्छा होगा कि मतलब फिर से इसमें जन्म ना ही लेना पड़े तो अच्छा होगा। तो ऐसे बहुत सारी आत्माओं को लगता है, तो ऐसी आत्माएं कभी कभी मतलब या फिर ऐसे इंसान यही सोचते हैं कि अगर मतलब पृथ्वी पे हम ना ही आए तो अच्छा। तो उसका जॉब क्या है वही आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात इस बात पर करते हैं कि आखिर जन्म क्यों लेना पड़ता है। मैंने पूरी तरह जवाब दिया था, इसमें शॉर्ट ही में देता हूँ कि क्या होता है कि परमात्मा ने जो इंसान की आत्मा को बनाया फिर आत्मा को जो बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि मतलब उसको अपना खुद का विकास खुद करना पड़ता है और उस तरह से आगे बढ़ना पड़ता है। तो बहुत लोग के मतलब विकास आत्मा का विकास ये बोलकर मैं सचमुच कहता हूँ कि मुझे जब बोलता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आजकल इंसान मतलब अपनी ज़िंदगी में इतना मतलब बोर हो गया या फिर वो इतना मतलब परेशान हो गया कि उसको क्या मतलब आत्मा का विकास और कैसा विकास है, इस तरह से हम बातें बोलते हैं। लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, और आप यही सोचेंगे कि मैंने मतलब इन सारी चीज़ों को मतलब इस तरह से कहता हूँ लेकिन मैं भी अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से मतलब कहते हैं ना कि परेशानी हो गया हूँ, ऐसा नहीं है कि आप मेरी अच्छी लाइफ है और इस तरह से आत्मा का, सचमुच ऐसा नहीं है। मुझे मतलब दिल में 10 बार ख्याल आता है और हर रोज़ आता है कि मौत आने आई तो अच्छा होगा, और लेकिन मतलब परिवार या फिर माँ बाप के जब विचार आते हैं तब जाने दो, मतलब जैसी ज़िंदगी है जीने दो, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आत्मा का विकास वगैरह इस तरह से बातें मैं करूँ या फिर बड़े बड़े डॉक्टर जिस तरह से बातें करते तो क्या होता है कि हम यही सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी अच्छी है, तो सचमुच मेरा तो सचमुच ऐसा कुछ नहीं है। और आत्मा को क्यों आना पड़ता है कि परमात्मा ने जो बनाया है उसको मतलब तो उस तरह से उसे खुद का विकास के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, सारी चीज़ें सीखकर भी वो आगे बढ़ सकती है आत्मा, इसलिए उसे पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। तो अगर वो ना ले तो क्या हो, तो जिसने जीवात्मा जगत के नियम ये किताब पढ़ी है उसको थोड़ा बहुत पता चला होगा कि उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही क्लियरली बताया गया है ये, लेकिन ज़्यादा भी शब्दों में वहाँ पे बताया नहीं गया, और बहुत सारी किताबों में मैंने देखा है तो उसमें भी बहुत ही क्लियरली ऐसा नहीं मिलता जवाब, लेकिन जो भी मिलता है वो मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि जो क्लियरली जो ना मिले फिर भी जो मिलता है उसमें भी हमें बहुत सारी सच्चाई का पता चल सकता है। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि एक तरह से मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोग समझो किसी ने 10वीं पास कर ली है और उसके बाद वो 12वीं सीखना चाहता है, 11वीं और 12वीं, तो ये भी ऑप्शन होता है उसके साथ पास की वो कॉलेज में जाए, मतलब जो रेगुलर जो बच्चे करते हैं वो उसके पास ऑप्शन होता है कि कॉलेज जाए और वहाँ पे पढ़ाई करे, लेकिन कुछ किसी की अगर कोई मजबूरियाँ हो तो वो क्या करता है कि एक्सटर्नल करता है, मतलब बाहर से परीक्षा देता है, बराबर। तो ये ऐसी चीज़ होती है, आत्मा अगर पृथ्वी पर आना चाहती है तो वो आ सकती है या फिर वो एक्सटर्नल भी इस तरह से जा सकती है, लेकिन बहुत बार आपने भी देखा होगा या फिर कुछ कॉलेजेस में तो एक्सटर्नल को लेते हैं, लेकिन जो कभी कभी क्या होता है कि कुछ समझो बाहर की यूनिवर्सिटी जो होती है जो एक्सटर्नल के लिए YCMOU वगैरह ऐसी जो यूनिवर्सिटी होती है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे अगर यूनिवर्सिटी में किसी ने 11वीं और 12वीं की तो उसको ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता या फिर उसको थोड़ा सा कम लिखा जाता है, या फिर कोई दो जॉब हो और दो लड़के आए हो और एक ने समझो बाहर से की होगी HSC और दूसरे ने डायरेक्टली नॉर्मल की होगी HSC, तो जो जिसने नॉर्मल की है कॉलेज जाके तो उसको थोड़ा सा बढ़ावा देता है, आप समझ गए ना। तो इस तरह से बातें होती है, तो आत्मा के स्तर पर भी इसी तरह से चीज़ें होती है, समझ गए आप। मतलब अगर किसी ने आत्मा लोग मतलब पृथ्वी पर जन्म लेके किसी ने मतलब अगर विकास किया तो उसको एक अलग तरह से दर्जा मिलता है। अब वो क्या दर्जा है उसमें मतलब, या फिर उसको बड़े आत्माएं वगैरह पूछेंगे नहीं ऐसे लोगों को जो आत्मा लोक में रह के अपना विकास करना चाहते, ऐसा ज़रा भी नहीं है। मैं आपको समझा कर कहता हूँ फिर से, एक मैंने एक उदाहरण के लिए कहा कि क्या होता है, सबसे पहली तो आत्माएं ये कहती है कि क्या होता है कि
जो आत्मलोक में अगर कोई आत्मा रह रही है या फिर उसने, और बहुत सारी आत्माएं इसी वजह से ही, मैंने अभी जो आपसे कहा ना, उसी वजह से नहीं जाना चाहती हैं। मतलब बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि आत्मा का समझो जन्म हुआ और तभी वो नहीं जाना चाहती पृथ्वी पर, ऐसा ज़रा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को तो इसी तरह से विचार होते हैं कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा दुख है इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। और क्या होता है बाद में कि जब अगर कोई आत्मा यहाँ पर आई और उसे पूरी तरह से, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है पृथ्वी पर, मैंने बहुत सारी बातें देखी, कैसे सुनी है, सचमुच मैं आपको बयां कर भी नहीं सकता इतने बुरी कैसे सुने कि वो इतने मतलब दुखी हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से, इतने अधर्म से या फिर इतनी नाइंसाफी से और इन सारे इतने सारे हिंसा से, तो इतने इतने मतलब ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अंदर से कि आप, वो मैं कह भी नहीं सकता। कुछ लोगों ने मतलब अपने आप को तो एक कमरे में बंद किया, मतलब उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ था लेकिन, और उसने देखा कि दुनिया में इस तरह से क्या हो सकता है, तो उस तरह से देखकर उसने खुद को अपने कमरे में ही बंद कर लिया और मतलब खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और उसने मतलब वो मरते दम कर वहाँ पे ही मतलब सोच में रह गया। इतना झिंझुड़ कर रख दिया था उसको, उसके उस इंसान को, उस चीज़ ने। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर किसी को हो तो वो ज़रा भी नहीं चाहेगा कि उसका जन्म हो, बराबर है। तो ऐसे आत्माओं का क्या, अगर किसी आत्मा ने ये समझा कि मुझे नहीं जाना है, मैं कुछ भी हो लेकिन मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा, तो ऐसे आत्माओं के साथ क्या होता है? तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि क्या होता है कि मैंने पहले भी कहा था कि आत्मालोक में आत्मा के ग्रुप्स होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि मेरा, मैं जो मतलब मेरे जो सोच विचार जैसे है उसी सोच विचार के मेरे दोस्त होंगे, हाँ, और मैं जिस स्तर पर हूँ वो भी उसी स्तर पर होंगे। तो समझो मेरा 15 लोगों के साथ मेरा ग्रुप है जो मेरे बहुत ही करीबी लोग हैं और जो बहुत ही मतलब बहुत ही हमारे अच्छे बहुत ही जो दोस्त होते हैं उस तरह से। तो क्या होगा कि 15 में से 15 तो लोग ये नहीं कहेंगे कि मुझे पृथ्वी पर नहीं जाना है, उसमें से कोई तो 3-4 लोग ये कहेंगे, मतलब समझो 10 लोगों ने पृथ्वी पर जन्म लिया। तो ये आत्माएं क्या कहती है कि पृथ्वी पर जो विकास का स्तर है या फिर विकास का जो वेग है, विकास का जो स्पीड है या फिर विकास की जो गति है, वो क्या है कि वो थोड़ी ज़्यादा है। मतलब आत्मलोक में अगर हम 10 साल में जितना विकास कर पाएंगे ना, आपको शायद ये झूठ लगेगा लेकिन आत्मलोक में जो 10 साल में विकास हो सकता है हमारा पृथ्वी के वक्त के अनुसार, आत्मलोक में वक्त का जो वेग है वो थोड़ा अलग है। आत्मलोक में वक्त के वेग जो होता है वो मन के ऊपर निर्भर होता है, ना कि सूर्य के ऊपर या फिर पृथ्वी जिस तरह से घूमती है उस तरह से नहीं होता वहाँ पे। तो मैं उदाहरण के लिए आपको बस बताता हूँ कि आत्मलोक में अगर कोई किसी का विकास किसी चीज़ का 10 साल में हो रहा है, तो पृथ्वी पर ये सारी चीज़ें इतनी वेग से होती है कि वो 10 साल में जितनी प्रगति करेगी ना वहाँ पे आत्मा, वो यहाँ पे एक दिन में भी आपकी प्रगति हो सकती है, आप समझ गए। तो इस तरह से, इसलिए पहले तो मतलब आत्मा यही चाहती है कि पृथ्वी पर आए और वो जन्म ले, इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो आत्मलोक में ही रहे। आत्मलोक में रही तो वो है, उनको मतलब उसकी है, ये है अनुमति है उसकी, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए वहाँ पर रहे, मतलब बहुत ही कम वक्त में या पृथ्वी पर वो विकास कर सकती है, उससे मतलब 10 गुना 100 गुना ज़्यादा वो पृथ्वी पर विकास कर सकती है। इसलिए वो यही चाहती है कि पृथ्वी पर आकर वो इन सारी चीज़ों का सामना करे। और आपको बहुत लोगों को यही लगेगा कि आत्मा बहुत ही खुशी से आती है, ऐसा ज़रा भी नहीं होता। मैं सच कहता हूँ कि बहुत बार वो अपना एक कर्तव्य समझ कर ही पृथ्वी पर आती है, लेकिन पृथ्वी पर आना इतना भी बुरा वो नहीं मानती क्योंकि इन सारी चीज़ों का सामना करके उसे आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये पहली बात हुई कि एक तो वक्त ज़्यादा पड़ता है, दूसरी बात ये कही गई है कि हम इस तरह से नहीं ले सकते कि पृथ्वी पर अभी जिस इंसान की मैंने आपको बात कही थी कि जो अपने कमरे में उसने बंद कर लिया, तो उसने भी बहुत साल उसने ये नहीं किया, मतलब जन्म लेने का निर्णय नहीं लिया, लेकिन उसको मास्टर्स ने यही कहा कि अगला जन्म तुम्हारा जो होगा वो आप तुम्हें पूरी तरह से मतलब कहते हैं ना कि आधार देगा इन सारी चीज़ों के लिए और तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा, इसलिए तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तो फिर भी वो तैयार नहीं था, लेकिन मास्टर्स कभी भी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करते, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब वो आप जन्म ले सकता है। हाँ, तो क्या होता है कि जब मास्टर्स ये चाहते हैं उससे कह रहे थे, तो उसने भी कहा थी कि ठीक है लेकिन मैं फ़िलहाल तो नहीं लेना चाहता। मास्टर्स ने कहा ठीक है, तकरीबन 100 और 200 मतलब साल बीत गए अगर देखा, मतलब इस तरह से मैं कह रहा हूँ पृथ्वी के हिसाब से। तो उसके बाद उसने ठीक है कहा और उसने कहा कि मैं तैयार हूँ पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, बस मेरा जन्म किस तरह से होगा उसकी आधारशिला या फिर उसकी झलक मैं देखना चाहता हूँ। तो उसको सारी चीज़ें दिखाई गई क्योंकि वो एक बुरे जन्म के लिए तो तैयार नहीं था या फिर इन सारी चीज़ों को लिए तैयार नहीं था। तो उसने एक ऐसा जन्म लिया जिसमें नॉर्मल ज़िंदगी थी उसकी और एक अच्छे देश में हुआ था जहाँ पे बहुत ही शांति है। तो ऐसे देश में उसका जन्म हुआ, उसने ऐसे ही 10-15 जन्म लिए और उसके बाद उसने अपने विकास का स्तर
के लिए थोड़ा सा मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद थोड़ी सी परेशानी उसके ज़िंदगी में आनी या फिर घर चलाना, इस तरह से चीज़ें उसके सामने आती गई और अब वो बहुत ही तैयार है इन सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसा भी होता है कि सब बहुत लोगों को लगेगा कि पृथ्वी पर सिर्फ बुराई है, ऐसा नहीं है। हम जहाँ पर रहते हैं उस तरह से मतलब उस वहाँ पर हमें किस तरह से चीज़ें दिखाई देती है वैसे हमें दुनिया दिखती है। क्योंकि भारत की हम बात करें तो बहुत लोग यही कहेंगे कि भारत में बहुत ही बुराई है या फिर भारत में बहुत ही आजकल तो हिंसा ही हो रही है, सब कुछ नेगेटिविटी। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को ये ज़िंदगी इन सारी चीज़ों से बहुत ही अलग होती है। मतलब कोई समझो कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ तो उनकी ज़िंदगी बाहर मतलब अच्छे अमीर माता पिता होते हैं, अच्छा उनको पति मिल जाता है या फिर पत्नी भी अच्छी मिल जाती है और अपने काम में वो मस्त है कि मतलब पैसा कमाकर बहुत ही आराम से ज़िंदगी बूढ़े होते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। उनको ज़िंदगी से मतलब दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये बहुत ही आम सी ज़िंदगी हो गई। तो ऐसी भी ज़िंदगी उनको मिल पाती है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी बुरी ही ज़िंदगी है पृथ्वी पर। इन सारी डरों को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये सच है, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ सच ही है। और दूसरी बात कि क्या होता है बहुत बार कि समझो मैंने अभी कहा आपको कि 15 लोग समझो एक ग्रुप में है और पांच आत्माओं ने यह तय किया कि वो जन्म नहीं लेंगे। हाँ, तो क्या होता है बहुत बार कि जो 10 जन्म जस्ट आत्मा जो जन्म ले रही है और अपनी ज़िंदगी में वो कुछ अलग अलग सीख रही है, तो क्या होता है कि जिस तरह से पृथ्वी पर हम एक क्लास से अगली क्लास में हमारा विकास होता है, एक क्लास से हम अगली क्लास जाते हैं हर साल, तो उसी वक्त आत्मलोक में भी वैसा ही होता है। जब आपका आत्मा का स्तर धीरे धीरे अगर बढ़ने लगे तो आप अगले स्तर पर जाएंगे, आप अपने अगले लोक में जाएंगे। तो बहुत बार ये होता है कि हमारे लोक में कोई हमारा ग्रुप का कोई आत्मा होगी तो उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी तो वो दूसरे ग्रुप में जाएगी और उसमें उस ग्रुप में और वो आके लोग उसका स्वागत करेंगे और उस ग्रुप में अब उसका जो स्तर बना है ना उससे उस स्तर के उसके आत्मा मिल जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो आत्मा बहुत बार ये भी करती है, मैंने पहले भी विस्पे ऋतु के किताब में भी एक बात कही है कि अगर उसका कोई अपना मतलब बहुत ही करीबी आत्मा अगर अगले स्तर पर गई हो तो वो यही सोचती है कि मेरा मतलब बहुत ही करीब भी मेरा सोलमेट वहाँ पे गया है तो अच्छा यही होगा कि मैं भी वहाँ पे जाऊँ। तो ऐसे वक्त में भी वो तय कर सकती है कि वो पृथ्वी पर जन्म ले। लेकिन एक इस विचार को पूरी तरह से दिल से निकाल दीजिए कि पृथ्वी पर सारे जन्म बहुत ही बुरे होते हैं। क्योंकि मतलब बहुत ही मतलब दुख है, इसका मतलब यही नहीं है कि दुख ही है, समझ गए ना आप। यहाँ पे बहुत सारा सुख भी है। मैं आपको सच कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी देश है कि उनको जापान में कुछ ऐसे मतलब लोग रहते थे, आजकल भी अच्छे हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि जापान में अगर आप किसी दुकान में चले गए और उसकी चीज़ ऐसे आपने ली और आप भागने लगे ना तो उसको मतलब उस वो आपको पीछा नहीं करेगा, उसको शौक लगेगा। क्यों 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 पता है आपको? क्योंकि वहाँ पे चोरी नहीं होती, आप समझ गए। तो ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में, हमें तो ये बहुत ही अलग मतलब इसमें कुछ अलग ही नहीं देखा ही देगा, हम उसको चोर चोर कहेंगे और पकड़ेंगे और मारेंगे, लेकिन वहाँ पे नहीं होता ऐसा। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि उनको पता ही नहीं है कि चोरी क्या होती है, इतने मतलब वो वफादार लोग होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये सारा मैं आपको कहने की कोशिश की कि पृथ्वी पर अगर हम रह के विकास करने की कोशिश करें तो हम बहुत ही जल्दी आगे बढ़ते हैं आत्मा के स्तर से या फिर आत्मा के विचार से। लेकिन अगर आत्मलोक में हम रह के अपना विकास करना चाहे तो एक तो पहले वक्त ज़्यादा लगेगा या फिर कभी कभी बहुत बार कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है कि जो अकेला ही रहना पसंद करती है, वो ग्रुप में नहीं रहती। क्योंकि देखो हर एक चीज़ का एक कारण होता है, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि उनको नहीं रहना होता समाज के साथ। लेकिन बहुत बार ऐसा ही होता है कि वो कुछ क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। मतलब आज का जन्म उनका बहुत ही बुरा होगा तो उसके लिए वो मतलब 500 साल भी उसके लिए जा सकते हैं, लेकिन 500 साल के बाद वो भी वो तैयार होती है क्योंकि उसको भी पता चलता है कि हाँ ठीक है। और एक कहते हैं ना कि समझो किसी का कुछ बुरा हो तो एक थोड़ा वक्त के लिए हमें बुरा लगता है लेकिन उसके बाद हम खुद को संभाल लेते हैं या फिर आगे की ज़िंदगी जीने की कोशिश करते। तो इस तरह से बातें होती है, इन सारी चीज़ों को आप जान लीजिए कि इस तरह से होती है कि हम पृथ्वी पर ना आकर भी हमारा विकास हो सकता है लेकिन उसके कुछ थोड़े से मतलब गलत चीज़ें हैं या फिर कोई मतलब थोड़े से मतलब नुकसान है उसमें, तो आत्मा उसके लिए तैयार होती है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग यही सोचेंगे कि मतलब मुझे बार बार ऐसा झक मार के मतलब जन्म लेना पड़ेगा और इस दुख, ऐसा ज़रा भी नहीं है। पृथ्वी के सारे जन्म दुखदायी होते हैं, इस बात को दिल से पूरी तरह निकाल दो। लेकिन आत्मा के विकास के लिए अगर इस तरह दुखों का सामना हम कार्य करें तो आगे बढ़ सकते हैं। और एक जाते जाते एक आखिरी बात बोल देता हूँ कि फिलहाल अगर आप मतलब बहुत ही दुखी हो अपनी ज़िंदगी से तो यही सोचिए कि मैं इन सारी चीज़ों का अगर सामना करूँ तो मैं एक स्तर आगे जाऊँगा और उसके बाद जो दुख होगा तो मुझे नहीं होगा या फिर इन सारी चीज़ों का दुख आपको नहीं उठाना पड़ेगा। और जब एक तरह हम आगे जाएंगे या फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो दुख धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर आप अगर संतों की अगर बात करिए, यीशु ख्रिस्त की या फिर साईं बाबा की, इनको भी बहुत सारा दुख था। स्वामी विवेकानंद जी को 5 बड़े आज़ार थे, 5 बड़े मतलब बीमारियाँ थी, 5 आप समझ सकते हैं, दमा,
ऐसे पांच थी, मुझे भी याद नहीं आ रही, लेकिन दमा और भी कुछ थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनको बहुत ही मतलब वो दुखी समझ सकते हैं उनसे, लेकिन वो दुखी नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने दिल को मतलब उनके अपने मन को या फिर अपने शरीर को अपने हाथ में लेना उन्होंने सीख लिया था। उनको दुख नहीं होता क्योंकि उन सारी चीज़ों के परे हो जाते हैं। तो इस तरह से दुख धीरे धीरे कम हो जाता है और आपको बाद में कुछ भी नहीं लगता। ये सारी चीज़ें मतलब हमें एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनकी मानसिकता हमारी तो नहीं होती। हमें ज़रा सी टेंशन आई तो हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा चिंता में हम जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता बड़े लोगों के साथ, वो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को जीत लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें उनकी तरह ही जीना पड़ेगा, ऐसा ज़रा भी नहीं है। वो उसके लिए कैपेबल थे, वो सारी चीज़ें संभाल सकते थे, इसलिए वो उनके साथ हुई। लेकिन फिर से मैं आपसे यही कहता हूँ कि हम धीरे धीरे जैसे हमारा स्तर बढ़ता जाएगा, इन सारी चीज़ों का हमें कुछ भी नहीं लगेगा। समझ गए आप? तो आपके कोई भी सवाल आप ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से मतलब सोचो मत कि पृथ्वी पर आके मुझे इस तरह से दुख हमेशा ही, ऐसा ज़रा भी नहीं है। आप पर मतलब कोई पृथ्वी पर कोई बहुत ही बुरा जन्म हो तो आपको कभी भी ज़बरदस्ती कोई भी नहीं करेगा। आपका मन उसके लिए जब तैयार होगा तभी पृथ्वी पर लोग आते हैं और आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन मिलेगा मास्टर्स का, इस तरह से है। और अगर आप कोई मतलब बहुत ही बुरा जन्म नहीं लेना चाहते, कोई अच्छा ही जन्म लेना चाहते, तो उसी तरह से भी चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बुरा ही जन्म लेना पड़ता है, लेकिन एक बात को आप जान लो कि पृथ्वी पर सारे जन्म बुरे ही नहीं होते। तो ये मैं आपको बोलने की कोशिश की कि पृथ्वी पर हम भी मतलब आत्मलोक में भी रहकर हमारा विकास हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा नुकसान है। तो इसलिए आत्मा यही चाहती है, बहुत ज़्यादा तो आत्मा तो यही चाहती है कि वो पृथ्वी पर आकर जन्म ले और इन सारी चीज़ों का सामना करके अपना स्तर बढ़ाए। और उस मतलब सबसे सच कहता हूँ कि सब चीज़ों का डेस्टिनेशन, आखिरी जाने की जो जगह है वो एक ही है और उसका नाम है मोक्ष। तो मोक्ष के लिए सारी चीज़ें होती है। आत्मा ये सब चीज़ें सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही करती है और उसके बाद भी उसका मतलब सीख चालू रहती है, लेकिन इस तरह से मतलब जन्म लेके उन सारी चीज़ों का सामना उसे नहीं करना पड़ता। तो इस सारी चीज़ों के लिए ये सारा सब चल रहा है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम नौकरी या फिर ये कारोबार सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैसे के लिए। पैसे क्यों चाहिए हमें? घर बार चलाने के लिए। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि आत्मा इन सारी चीज़ों का सामना सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए करती है और भगवान से एक रूप होने जाने के लिए करती है। और जब इस तरह से लेवल के हम बन जाए तो वो ऐसी आत्मा क्या करती है कि वो खुद के बारे में सोचना ही छोड़ देती है, वो समझ के बारे में सोचती है। इसलिए एक ऐसी आत्मा हमें बननी है और एक ऐसा मतलब परमेश्वर के करीब जाना है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपके कोई भी सवाल हो आप ज़रूर पूछिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।